हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन का हमने बेसिक सीखा था, उसके अंदर बोडोमास का रूल्स हमने पढ़ा था। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको और कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आज के वीडियो में। ये सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट है। इसमें वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे वो NTPC हो, SSC हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार के एग्जाम हो या रीट के एग्जाम हो, इनके अंदर ये क्वेश्चन लगभग लगभग आ चुके हैं और कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये भी SSC NTPC और राजस्थान पुलिस में पहले आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह से है कि 11,960 में भाग देना है किसी संख्या का, और वो किसके बराबर होगा? 65×23 के बराबर। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन वाले चिन्ह की जगह हमें आंसर लेकर आना है, वो इनमें से ही कुछ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले दे रखा है 11,960, ये भाग का चिन्ह। इस क्वेश्चन वाचक की जगह हमने क्या लगा दिया, इसको गुणा सॉरी एक्स मान लिया। इसके बाद दे रखा है 65×23। देखो, ये भाग का चिन्ह दे रखा है, यानी ये संख्या इससे भाग हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं 11,960 बटे एक्स बराबर 65×23। ये भिन्न में है तो इसको भिन्न बना दो, और क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्योंकि अगर बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा हो, दोनों साइड में अगर भिन्नात्मक संख्या हो तो ये वज्र गुणा होता है। इसको एक से गुणा करेंगे और इसको एक्स से गुणा करेंगे, तो एक्स को इन दोनों से गुणा किया तो ये बनेगा एक्स 65×23, और इसको गुणा किया तो 11,960×1 का मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक से जो भी गुणा एक आ जाएगा भाग में, तो 11,960 बटे 65×23। अब इसको देखो, काटेंगे तो 5 के पार्ट से काट दिया, 1 × 5 और ये 5 × 3 = 15। इसको भी काटो, 5 के पार्ट से काट रहे, 5 × 2 = 10, 1 बच गया 19 हो गया, 5 × 3 = 15, फिर 4 बचे 6 को दिया 46 हो गया, 9 × 5 = 45, 1 बच गया 10, 2 × 5 = 10। इसके बाद ये 23 के पार्ट से कट रहा है, ये कट जाएगा 23 के पार्ट से, 1 23 23 0 लगेगी क्योंकि दो संख्या साथ में काम में लेंगे, और 23 का भाग 92 में 4 बार। फिर 13 से कट रहा है, कितनी बार, 13×8 = 104, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स बराबर कितना हो गया, 8। क्या ये अपने ऑप्शन में दे रखा है? देखो, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें 8 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8, यानी 8 को इससे भाग करने के बाद में वही संख्या मिलेगी जो इन दोनों को गुणा करने पर मिलेगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको इतना, देखो ये बेसिक था, अगर आप इसको शॉर्ट तरीके से करना चाहोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो कि ये जो गुणा वाली संख्या इसके भाग में जाएगी, जिसे दे रखा है 11,960 डिवाइडेड 65 × 23, और ये जो क्वेश्चन का चिन्ह कहाँ पे जाएगा, बराबर में यहाँ पर, और काटने के बाद में तुम्हें वही मिलेगा, एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 8। ठीक है, ये बेसिक था इसलिए मैंने ये आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 5555 प्लस 2679 बराबर 47 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर और साथ में ले, ताकि इन दोनों का टोटल इनके स्क्वायर के टोटल के बराबर हो। और ऑप्शन में अपने पास दे रखा है, और ये भी देखो SSC और ग्रुप डी के एग्जाम में पहले आ चुका है। तो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो यहाँ पर बराबर का साइन दे रखा है, यानी बराबर की साइड में दोनों संख्याएं प्लस की, तो आप पहले इनको जोड़ दो। तो ये 1555 मैंने यहाँ पर लिखा, और ये 2679 बराबर 47 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हमें पता नहीं है तो चाहो तो आप एक्स का स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों को जोड़ो, 9 और 5 कितना गया, 14 का 4, हासिल का 1, 1 और 7 कितना हो गया, 8, 8 और 5 13 के 3, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, 2 3 और 1 4 बराबर 47 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 47 का स्क्वायर निकाल कर आप इसको यहाँ पर पक्षांतर कर सकते हो ना, तो ये कितना हो जाएगा, 42 34। देखो ये 47 का स्क्वायर बराबर की साइड में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 47 का स्क्वायर करना है हमें पहले, तो 47 को 47 से गुणा किया, 7 × 4 = 4, 7 × 28 = 4 = 32, 7 × 28 = 8 = 2, 4 × 16 = 18, ये 9 0, और ये कितना हो गया, 9 और 4 = 12 का 2, हासिल का 1, 2 22 0 9 बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसमें से घटाना है हमें, 14 में से 9 गया तो कितना बच गया, 5, 11 गया 2, 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर।
एक्स की वैल्यू निकाल लिए, इसका स्क्वायर टाइम तो किसमें आएगा, रूट में, यानी एक्स बराबर क्या हो गया, रूट 20 25। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 20 25 किसका स्क्वायर है। देखो ये जो स्क्वायर है, अब यहाँ पर हम ऑप्शन को उठाएंगे क्या, देखो पीछे दे रखा है 5, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पीछे 5 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें दे रखा, क्या दे रखा है 45। आप 45 को 45 से गुणा कर लो, ये आएगा 20 25, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही होगा। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, और इसमें दे रखा है 450 का 78% प्लस 250 का कितना प्रतिशत बराबर होगा 447 के, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन वैसे चेंज की जगह मैं क्या लेकर आना है, इनमें से ऑप्शन में जो भी अपने पास होगा वो। ठीक है, तो 450 का की जगह आता है गुणा और 78 का 78% ये लिख सकते हो बटे में 100। देखो परसेंटेज वाला अलग से अपन वीडियो बनाएंगे जब परसेंटेज पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देख लो कि किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। संख्या को यहाँ लिखो, का की जगह गुणा लिखो, 78 का यहाँ पर जो भी वैल्यू देगी दे रखी होगी उसको यहाँ पर लिखना है, और परसेंटेज क्या लिखना है डिवाइडेड 100। प्लस यहाँ पे तो प्लस 250 का 250 का की जगह गुणा, तो इसको हमें एक्स मान सकते हैं, और परसेंटेज का बटे में 100 बराबर कितना है 441। ये 0 0 कट गया, 5 के पार्ट से कटेगा 2 बार, 5 से कट गया 9 बार, 2 से कटाई कितनी बार 39 बार। 39 को 9 से गुणा कर लो तो 9 9 81 का 1, 80 का 8, 9 3 27 कितना बच गया, सॉरी कितना गया 351। ठीक है, प्लस यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 5 से कट गया 2 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट जाएगा 2.5 बार, यानी 2.5 को x से गुणा किया तो ये बचेगा 2.5x बराबर में क्या दे रखा है 441। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करना है तो 351 के पीछे आ जाएगा, ये 2.5x बराबर 441 माइनस 351, यानी 2.5x बराबर इसमें से कटाएंगे तो बचेगा 90 बच जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 बटे 2.5। अब 2 का भाग 90 में देंगे, 2.5 का भाग 90 में देंगे तो ये कितना बचेगा 36। तो x की वैल्यू कितनी है 36 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। भाग देकर देख लो आप, ये देखो 90 बटे 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 25 से कटेगा 2 3 25 75 कितना बच गया 15, 0 तो कितना हो गया 150, और 6 25 150। ठीक है, तो कितना हो गया 36 अपना आंसर हो जाएगा। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 845 का 3/5 वो 333 का 2/3 का अंतर होगा। तो यहाँ पर इसने अंतर बोला है, तो इन दोनों इसके इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें से हमें इसकी वैल्यू बताएंगे तो हमें अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो 845 का निकालना है हमें, 845 का 3/5 यानी 845 गुणा 3/5 करना है। ठीक है, अंतर के लिए बोला है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 333 का 2/3 यानी गुणा 2/3। अब इसको काटना है केवल, 8 के पार से कटेगा ये, सॉरी 1 5 5, 5 से कटेगा 1 5 5, 3 34, 6 30, 4 9 45। इसको 3 से गुणा कर लो, 9 3 27 के 7, हासिल का 2, 6 3 18, 19 20 की 0, हासिल का 2, 1 3 3 और 2 5 माइनस, इससे कट जाए कितनी बार, ये 111 बार, 111 के 2 से गुणा किया तो 222। अब इसमें से घटाना है, 7 में से 2 गया तो 5, 0 में से यानी 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, यानी क्या 4, 4 में से 2 गया तो 2 285। क्या अपने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। ठीक है, तो एक और मजेदार क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और ये क्वेश्चन दे रखा है 3.6 × 0.48 × 250 × 0.12 × 0.09 × 0.5। इनको गुणा करने के बाद आपको इनमें से कोई एक आंसर लेकर आना है, या तो इनमें से कोई आंसर होगा या फिर नन ऑफ देन, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अब इन तरह जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखो अगर पॉइंट की जब भी आपके पास क्वेश्चन दे दे इस तरह से गुणा भाग में दे दे, तो पहले तो इन पॉइंट की वैल्यू को हटाओ यहाँ से। जो 3.6 दे रखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 लिख सकता हूँ। तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 है, तो फिर यहाँ पे मैं 10 वाली संख्या से भाग दे दूंगा। यहाँ पर आते हैं, ये पॉइंट के बाद में 4 8 दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 8। पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो गुणा करके मैं 2 0 वाली संख्या से भाग दे दूंगा। यहाँ पर ये 250 दे रखा है
और पॉइंट में कुछ है नहीं, 250, ठीक है। ये ऊपर वाली संख्या क्लियर हो गई। अब नीचे की देखो, पॉइंट में क्या दे रखा है, 0.12, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 12, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में दो संख्या है, तो ये ऊपर जो है 2 0 आ जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद में 0 भी है और 9 और 0, यानी संख्या तो अपने पास 90 है, तो ये 90 लिखा, लेकिन पॉइंट के बाद में कितनी संख्या हुआ, 1 2 और 3 संख्या का है, तो ये 3 0 जो है ऊपर आएगा। इसके बाद फिर गुणा है, पॉइंट 5 है तो इसको मैंने 5 लिख दिया, पॉइंट के बाद में एक संख्या दे रखी है तो 1 0 वाली संख्या से भाग गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये जो भी मिला है, अब इनसे देखो 0 से काटो, 1 2 3 और 4 0 है, तो ऊपर की 4 0, 1 2 3 और 4 0 हटा दिया अपन ने। इसके बाद में जो कट रहा है काट दो, 12 से कट रहा है, 1 बार 12 2 बार 6, 3 बार 36, और 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 3 से फिर कटेगा 48 कितनी बार, 1 3 3, 1 बच गया 6 3 18, 16 बार, 5 बच रहे तो 5 को काट दो, 100 को 5 से कितनी बार 20 बार, जो भी बचेगा उसको गुणा कर दो, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। तो ऊपर की संख्या जो बची है वो गुणा करना है, तो 25 को 2 से गुणा किया तो 50, और 1 1 और 2 0 यहाँ पे जाएगा, इसको गुणा करना है किसे, 16 से, 16 पंचे कितने हो गए, 80, और 16 पंचे 80 के बाद में 3 0, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 यानी कितना हो गया, 80,000। ये अपने ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये कई बार पहले एग्जाम में आ चुका है, एसएससी और बैंक पीओ का एग्जाम में 2 3 बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमें करना है और ये ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है देखो, 999 से 98/99 गुणा 99 दे रखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 999 प्लस 98/99 गुणा 99, क्योंकि हम क्या करते हैं देखो, इसको इससे गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में ये संख्या जोड़ते हैं ऊपर की, है ना। अगर मिश्र बिना में हमारे पास होती है, जैसे मान लो ये 2 से 1/2 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 में क्या करेंगे, 1 जोड़ते हैं, तो कितना हो गया, 5/2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 1/2, इसको इसके जोड़, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5/2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, अब इससे ये गुणा करना है ओनली, अब इसको इससे गुणा करना दो, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इस 999 को लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1, इसको किससे गुणा करना है, 99 से, ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में 98। इसके बाद देखो ये 99 से 99 भी कैंसिल हो गया, अब इसको इससे गुणा कर लो, ये 1000 को 99 से गुणा किया तो कितना हो गया, 99,000, माइनस 99 से 1 गुणा किया तो 99, प्लस ये हो गया 98, इसमें से 1 हटाना है तो 1 इधर देंगे यहाँ पर, 10 10 में से मर गया तो 1, 9 बचा, 9 में से मर गया तो 0, यहाँ 9 रह गया, यहाँ पर 8 और ये 9, इसमें आपको जोड़ना है 98, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9, 9 0 9, वापस से 9 और ये 9 और 8, ये अपना आंसर होगा 98,999, ये अपने ऑप्शन में है, तो देखो इधर का 98,999। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये इससे गुणा होने के बाद में क्यों कट रहा है, देखो गुणा हो जाएगा, अगर जैसे मान लो अपने पास कोई संख्या इस तरह दे रखी है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम मिश्र बिन को क्या बनाएंगे, साधारण बनाएंगे, तो क्या बनेगा, 5/2 बनेगा, 2 2 4 1 5, 5/2 बनेगा, फिर भी ये तो देखो 5/2 गुणा बटे में 2 तो आएगा ही सही, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, 5, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है कि ये इससे गुणा होने के बाद में भी ये बचेगा 99, क्योंकि बिन में दे रखा है, तो इससे ये वाला कट जाएगा, अब जो बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा 98,999, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है जितना हमें कठिन दिखाई दे रहा है ना उतना है नहीं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको करने का भी तरीका होता है। करना क्या, देखो कि यहाँ पर दे रखा है 1 से 1/2, फिर 11 से 1/2, फिर प्लस 111 से 1/2, प्लस 1111 से 1/2, देखो बीच में यहाँ पर प्लस दे रखा है, प्लस के चिन्ह दे रखे हैं, और हमें संख्या भी जोड़नी है और यहाँ पर मिश्र बिंदु में जो दे रखे हैं ना उसको भी जोड़ना है। तो देखो दो तरीका है, पहला क्या है कि आप इसको मिश्र बिंदु को साधारण में बना दो, फिर बाद में लशर लेकर इसको कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें हमें टाइम वेस्ट होगा। इसका बेस्ट तरीका क्या है,
कि इसमें पहले संख्या संख्या को अलग जोड़ दो, एक है तो ये एक प्लस, फिर 11 को अलग जोड़ लो 11 प्लस, फिर 111 को अलग लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1111 को एक साथ जोड़ लेंगे। तो इन सबको तो एक साथ जोड़ लो, कितना जाएगा ये, एक एक दो तीन और एक चार, फिर उसके बाद एक दो और एक तीन, फिर एक एक दो और फिर ये एक, यानी 1234 तो हो गया जो संख्या दे रही है ना वो वाले। अब इसके बाद बचा क्या, देखो एक बटा दो बच रहे हैं, ये 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये अलग दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या मानते हैं, 1/2 मतलब आधा होता है, तो आधा और आधा कितना हो गया, ये एक हो गया, ये आधा आधा भी कितना हो गया, एक हो गया, और एक और एक जुड़ेंगे तो कितना हो गया टोटल, ये कितना हो गया दो, यानी 1234 में दो भी जोड़ दो कितना हो गया 1236। ये अपने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन उनको तो समझ में आ गया जो इसके पहले वाला क्वेश्चन को समझ गए ना, उसी की तरह इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर दे रखा 999 में सही 1/7, 999 में सही 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इन सबको हमें जोड़ना है। देखो बीच में प्लस प्लस का साइन दे रखा है, इनको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इन ऑप्शन में से कोई भी एक अपने पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है ना, देखो 999 दे रखा है, ये 999 कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच छह बार है, तो इसको 6 से गुणा कर लो, ठीक है। अब देखो जल्दी गुणा करने का तरीका बताता हूँ, अगर 999 को 6 से गुणा करते तो टाइम लगेगा। इसको हम क्या मानेंगे, 1000 मान लेंगे, मान लो कितना है 1000, 1000 को मैंने 6 से गुणा किया कितना हो गया 6000, कितना हो गया 6000। अब देखो 1000 में कितना कम था, एक कम था, एक को 6 से गुणा किया कितना हो गया 6, इसमें से 6 कम कर दो तो कितना हो गया 5994, ठीक है। यानी 999 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 5994। ये तो गई संख्या संख्या गुणा। अब इसके बाद में अपने पास क्या बच रहा है, 1/7, 2/7 ये बच रहा है, तो इनको अलग जोड़ लो, ये हो जाएगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़कर जो भी संख्या आएगी उसमें ये जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने जब पहला पार्ट पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन का, तो उसमें आपको बताया था कि अगर हर सबके समान हो तो उसका लस एक ही आएगा, और ऊपर की सारी संख्याओं को जोड़कर ऐसे कैसे लिख दो, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा कि इनका हर सभी का हर समान है, यानी साथ इनका लस आएगा, अब ये लस आएगा तो सबके सब ऐसे आएंगे, 1 + 2 + 3 तो सबको जोड़ दो, 1 + 2 = 3, 3 और 3 = 6, 6 और 4 = 10, 10 और 5 = 15, 15 + 6 = 21, और 21 में 3 का भाग दिया कितना है 3। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो कि 1/7 और 6/7 कितना हो गया 7/7, यानी एक बार कट जाएगा, 2/7, 5/7 भी 7/7 हो गया, यानी ये भी एक बार कटेगा, और इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 1, तो भी 1, 2 और 3 आ रहा है, तो कितना गया 3, यानी 5994 में 3 और जोड़ दो कितना हो गया 5997। क्या ये अपने ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 5997, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ दे रखा है 1 - 1/2, ये पहले कोष्टक में है, फिर ये कोष्टक इस कोष्टक से गुणा है 1 - 1/3, फिर ये कोष्टक भी गुणा है 1 - 1/4, फिर ये कोष्टक भी गुणा है 1 - 1/5, इसी प्रकार ये चलते रहे 1 - 1/6, 1 - 1/7 करके ये आगे चलेंगे, 1 - 1/19, 1 - 1/20 तक जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में इन सब का हमें टोटल वैल्यू निकालना है कितना होगा, समझ में आ गया बात, ये क्रम से चल रहा है, यहाँ पे डैश डैश दे रखा है, इसका मतलब है एक से यहाँ पर 1 - 1/6 के बाद में 1 - 1/6 आएगा, 1 - 1/7, 1 - 1/8, 9, 10, 11 तक, और लास्ट 20 तक जाएगा, ठीक है। और हमें इनकी वैल्यू बतानी है कि इन सबको गुणा करने पर क्या आंसर आएगा। वैसे दिखने में देखो ये अगर इसको सोचेंगे हम तो बहुत बड़ा इसका क्वेश्चन इसका आंसर होना चाहिए ना, और टाइम भी ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन देखो इसमें करने का एक तरीका है कि यहाँ पर 1 - 1/2 दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक, यानी पूरे देखो एक में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, ये बचेगा ना, एक में से आधा घटाया तो 1/2, मैं कोष्ठक ओपन करूंगा तो क्या आएगा गुणा, अब एक में से घटाना है कितना 1/3, चलो घटा के देख लो 1 - 1/3 बटा 1 लगा देंगे, यानी ये भी नहीं तो ये भी बिन हो जाएगी, इसको ऐसा कर लो, देखो 1 + 3, 3 में से 1 गया कितना बच गया 2, 2/3, तो इसका जो टोटल आंसर हो कितना होगा 2/3 हो जाएगा,
यानी एक इसको इस कोष्टक का मान होगा 2/3। फिर कोष्टक कटाएंगे तो गुणा इसका निकाल लो, 1 चौक 4, 4 में से घटाना है 1, तो कितना बच गया 3, 3/4। फिर गुणा 1 5 5, 5 में से 1 घटाओ तो कितना बच गया 4, 4/5। इसके बाद में डैश दे रखा है, यानी ये आगे चलता रहेगा इसी तरह से। देखो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 हो जाएगा, फिर 6/7 होएगा, फिर 7/8 होएगा, इसी प्रकार चलेगा। तो इसको बोलो 1 × 19 × 19 में 1 गया तो कितना बचेगा 18, तो 18/19 हो जाएगा। 1 × 20 × 20 में से गया तो 19 × 19/20 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में संख्याएं चल रही है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, गुणा करके 5/6, फिर गुणा करके 6/7, यहाँ भी चलता रहेगा ये आगे भी ना, और यहाँ पर भी कोई संख्या होगी। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 कट गया, गुणा की संख्या क्योंकि 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, इसी प्रकार 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, और यहाँ पर देखो इस जब ये 17/18 होगा तो 18 से 18 भी कट जाएगा, 19 से 19 भी कट रहा है, ये 17 भी इसके यहाँ से कट जाएगा 16/17 से, तो बचा गया यहाँ पर बचेगा ऊपर की तरफ 1 और नीचे का बच गया 20, यानी फर्स्ट संख्या बची है और लास्ट की संख्या बची है, यानी 1/20 जो है ये अपना आंसर होगा। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए है 1/20। ठीक है, तो जितना बड़ा ये क्वेश्चन था ये उतना बड़ा है, क्वेश्चन है नहीं है, अगर समझे इस क्वेश्चन को तो ये बहुत ही इजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी उसी की तरह का जिसके पहले वाला क्वेश्चन था। थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे दे रखा है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 प्लस ऐसे ही करके आगे तक चलता रहेगा, जैसे 1/4 × 5, 1/5 × 6 है ना, और लास्ट में जा रहा है कहाँ तक, 1/99 × 100 तक। अब इन सबको गुणा करके जोड़ने के बाद में है ना, यहाँ तक जोड़ने के बाद में 100 तक इसको जोड़ने के बाद में इसका आंसर क्या होगा, इन्हीं ऑप्शन में से कुछ होगा। ठीक है, लेकिन किस तरह से होगा ये हम क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दे रखा है 1/1 × 2, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1/1 − 1/2, क्या ये सही है? देखो इसका इसकी जो टोटल वैल्यू है ना कितनी होगी, 1/2 को ऐसे बढ़ गया तो 2, यानी 1/2 जाएगा। अब मैं 1 में से आधा घटाऊंगा तो 1/2 मिलेगा, यानी इसको ऐसे लिखू या ऐसे लिखू बात एक ही है, फिर प्लस है तो प्लस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/2 − 1/3। देखो हम संख्या को कैसे भी लिख सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 1/6, 2/3 कितना हो गया 6। अब देखो इसको सोल्व करने पर 6 आ रहा है क्या, 1/2 − 1/3 को सोल्व करो, 2 और 3 कल से क्या होगा 6 होगा, 2 का भाग 6 में 3 बार 3 को 1 से बढ़ गया तो 3, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार 2 को 1 से बढ़ गया तो 2। अब 3 में से 2 गया कितना बच गया 1/6, आ रहा है 1/6 है ना, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस है तो प्लस। इसको क्या लिखूंगा 1/3 − 1/4, फिर यहाँ प्लस दे रखा है तो प्लस, जैसे ये आगे होगी इसी प्रकार ये भी आगे हो जाएगी, और लास्ट में कहाँ तक आ रहे हैं अपन, प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/99 − 1/100, 1/99 − 1/100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करना है। देखो क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करने हैं ओनली, तो देखो यहाँ क्या बचेगा 1, इस 1/2 को मैं 1 लिख सकता हूँ, माइनस ये 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया प्लस है तो प्लस, फिर ये क्या है 1/2, माइनस है तो माइनस, 1/3 प्लस, 1/3 माइनस, 1/4 फिर प्लस। इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा और कहाँ तक आएगा ये 1/99 माइनस 1/100 तक। ठीक है, अब आगे देखो ये आगे वाला एक बच रहा है, ये 1/2 − 1/2 + कैंसिल हो गया, 1/3 − 1/4 - हो गया, ये 1/4 − है, 1/4 + होगा, इसी प्रकार से संख्या एक करती रहेगी। लास्ट में ये प्लस का दे रखा है तो यहाँ पर ये आगे माइनस का आएगा, क्योंकि 1/98 − 1/99 होगा तो ये भी कट जाएगा, यानी बीच की सारी संख्या कटेगी, केवल आगे की संख्या और पीछे वाली संख्या बचेगी। तो क्या बचा अपने पास, 1 − 1/100। देखो 1 का 1, यहाँ पर देखो 1/100 क्या क्या है, माइनस है तो माइनस। अब इसको सोल्व कर, इसको सोल्व करना है ओनली, 100 को 1 से बढ़ा गया तो 100 में से 1 कम किया तो कितना हो गया 99/100, ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी,
ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन। अभी अपना सिंप्लीफिकेशन का पार्ट खत्म नहीं हुआ है, इसके और पार्ट आएंगे, 2 या 3 पार्ट और बनाऊंगा जिसके अंदर अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको आने वाले जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं वो आप तक पहले पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।